तो आज जो बिज़नेस आइडिया आपको मिलने वाला है उससे पैसों की नदियां बहने वाली है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आखिरी तक देखिएगा ये जो बिज़नेस आइडिया है आप गांव में भी रहकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और जो भी हमारे किसान भाई सामने से देख रहे हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं बता दूँ कि मैं हूँ अभी बंगाल बंगाल में ये कोलकाता है और वहीं एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में खड़ा हूँ और आज की वीडियो जो अभी आप देखने वाले हैं ये वाइल एक्सपेलर बिजनेस पर आधारित रहने वाली है जी हाँ जो हम सरसों या राई की बात कर ले तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो इस मशीन के द्वारा आप निकाल सकते हैं तो कैसे ये मशीन वर्क करती है क्या इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है कितने पैसे से ऑयल एक्सपेलर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं कितने लोगों की जरूरत होती है इस बिज़नेस को चलाने के लिए तो आज तमाम जानकारी आप सभी को अभी लाइव मिलने वाला है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आखिरी तक देखिएगा तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पे आपका स्वागत है स्वागत है आप लोगों को भी हमारा कंपनी पे अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए मेरा नाम इशिका है मैं रॉयल मशीनरी से बात कर रही हूँ ये कंपनी जो है कोलकाता में है हमारा कोलकाता मध्यम ग्राम और शोधपुर के बीच में मूरा लोकनाथ मंदिर के ऑपोजिट में हमारा ऑफिस है तो कौन से बिजनेस आइडिया के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताने वाली हैं आज को बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही पॉपुलर जो हम लोगों की हर दिन जिस जिस चीज़ का जरूरत पड़ता है वही चीज के बारे में हम लोग बोलना चाह रहे हैं जो है कि आपका मास्टर्ड ऑयल जो होता है मास्टर्ड ऑयल के बिजनेस के बारे में हम लोग आज बोलने वाले है यानी ऑयल एक्सपेलर बिजनेस के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे जरूर तो सबसे पहले ये जो मशीन है इसी मशीन से जो है ऑयल एक्सपेलर का काम होगा हाँ एकदम ये छोटा सा जो मशीन आप देख रहे हैं पास में ये छोटा सा मशीन से ही आप काम चला सकते हैं शुरुआत जो है बहुत लोग है कि शुरुआत जो है छोटे तरीके से करना चाहते हैं तो बेसिकली उनके लिए ये मशीन है कि छोटा इन्वेस्टमेंट से बड़ा मुनाफा आप कमा सकते हैं इसी मशीन के माध्यम में तो इस बिजनेस को जो है गाँव में जो हमारे किसान भाई सामने से वीडियो को देख रहे हैं गाँव में भी रख के इस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं जरूर गाँव या शहर हर जगह चलेगा ये जो आप देख रहे हैं ये बिजनेस ये हर जगह चलेगा आप लोगों का ये जो है मशीन ये घरेलू बिजली पे चलेगी या कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा वो बताइए ये जो छोटा मशीन देख रहे हैं ये छोटा मशीन आपका घर का जो बिजली होता है उसी से ही चलेगा अगर बाद में जो है आप बड़ा तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए कमर्शियल लाइन की जरूरत पड़ेगी अभी जैसे सामने से जो भाई देख रहे हैं तो उनके लिए ये मशीन नया है कैसे ये मशीन ऑपरेट होगा कैसे एग्जीक्यूट होगा कैसे पूरा मशीन का फंक्शन होता है वो सामने से जो लोग देख रहे हैं उनको पता नहीं है तो कहने का मतलब कि एक जैसे ट्रेनिंग वगैरह की बात कर ले तो वो कैसे लोगों को पता चलेगा कैसे मिलेगा वो हमारे दर्शकों को बताइए जरूर जो है कि आप जब मशीन हमारे इधर से लीजिएगा तब हमारे इधर से पहले टेक्नीशियन जाके आपका मशीन पूरा इंस्टॉल करके देगा उसके साथ साथ आप कैसे पूरा मशीन ऑपरेट करिएगा उसका पूरा ट्रेनिंग जो है वो टेक्नीशियन जाके आप लोगों को दे देगा इसको लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेने का है इसमें जो है अगर हम बात करें कि सिर्फ सरसों वाला पेड़ाई होगा यानी मस्टर्ड का होगा या और भी क्या चीज़ का होगा वो हमारे दर्शकों को बताइए नहीं ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ आपका वो सरसा ही इसमें पिसाई होगा ऐसा कोई बात नहीं हर तरीके का जो आप ऑयल देखते हैं वो बोल लीजिए कि बादाम तेल हो गया आपका नारियल तेल जो हो गया सारा चीज़ें आप ये हॉपर में अगर दे देते हैं तो उधर से आपका ऑटोमेटिकली जो ऑयल है वो एक्सटेंड कर जाएगा कहने का मतलब है कि अगर बादाम वाला बादाम का तेल जो है वो भी निकल सकता है नारियल का तेल वो भी निकल सकता है और सरसों वगैरह का जो होता है वो भी इस मशीन से निकल सकता है एकदम एकदम अब इस ऑयल एक्सपेलर बिजनेस करने के लिए बात करें तो जो सामने से लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते होंगे भाई कितने पैसे से इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है तो कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना लगेगा वो हमारे दर्शकों को बताइए एकदम एक स्टार्टिंग बिजनेस जो है जो देख रहे हैं हमारे पास जो छोटा मशीन जो है वो आपका पचपन हजार से स्टार्टिंग है ये पचपन हजार रुपये में शुरुआत लोग कर सकते हैं एकदम एकदम ये मशीन जो है इस मशीन का प्राइस जो है आपका पचपन हजार है अभी आपको इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन का मामला होता है प्रोडक्शन जैसे आपका बड़ा हो जाएगा वैसे ही आपका जो है मशीन का प्राइस थोड़ा बढ़ता रहेगा ये जैसे इस मशीन जो सामने से अभी मशीन बड़ा वाला मशीन अभी जो सामने से हमारे भाई देख रहे हैं तो क्या उसका क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा वो बताइए <laughs> जैसे कि छोटा मशीन जो देखें आप छोटा मशीन का जो स्टार्टिंग जो है वो 25 के जी पर आवर आपका प्रोडक्शन होगा वैसे ही जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये जो मशीन है ये वोल्ट मशीन है ये वोल्ट मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टार्टिंग है आपका 50 के जी पर आवर से स्टार्टिंग है वोल्ट मशीन का तो दोस्तों जो अभी आप बड़ा वाला मशीन देखे वो 50 के घंटे में उसका प्रोडक्शन है और ये जो आप छोटा वाला मशीन देख रहे हैं छोटू मशीन का है तो ये 25 के घंटे का प्रोडक्शन इस मशीन से किसान भाइयों का या जो भी सामने से देख रहे हैं उन सभी को मिलने वाला है हाँ 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 एकदम अब इस मशीन को चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी देखिए देख ही रहे सर इसमें कुछ फंक्शन वगैरह अलग से कुछ ही नहीं है कि आपको बहुत मतलब कि लेबर लगेगा एक दो काफ़ी है वो मशीन चलाने के लिए एक दो जो लेबर है वो रख दीजिएगा तो काफ़ी है क्योंकि मशीन में ऐसा कोई फंक्शन नहीं कि आपको हर हाँ टाइम मशीन के साथ लगे रहना पड़ेगा दे दीजिए अपना प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जो है हॉपर में दे दीजिए अपना आप वो ऑयल निकलता रहेगा इस तरह के बिजनेस करने के लिए कितने जगह की जरूरत है मतलब अगर लैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो कितना होगा अच्छा तो ऐसा अगर आप पूछते हैं तो आप कौन सा मशीन लेके बिजनेस स्टार्ट करें इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना जगह का रिक्वायरमेंट होगा जैसे कि ये छोटा मशीन देख रहे हैं छोटा मशीन के लिए तो ये छोटा जगह काफ़ी है जैसे कि मान लीजिए एक दस बाई दस अगर रूम होता है उसमें काफ़ी है ये छोटा मशीन से बिजनेस स्टार्ट करना अब बात करें कि जो सामने से लोग देख रहे हैं तो जानना चाहते होंगे मशीन लेने का क्या प्रोसेस है मशीन लेने का बहुत सारा प्रोसेस जैसे आप लोग लेना चाहते हैं एक तो देखिए जो कि मशीन लेने का बात है तो बहुत सारा बहुत सारा लोग चाहता है कि पहले हम लोग आए देखें बात करें उसके बाद हम लोग ले ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग पहले आइए मशीन देख लीजिए हम लोगों के साथ बात कर लीजिए पूरा चीज़ को समझ लीजिए उसके बाद आप मशीन लीजिए और दूसरा बात अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप बहुत दूर से देख रहे हैं वीडियो अभी देर तक नहीं आ सकते तो उसका भी व्यवस्था हम लोगों के पास है आप से वीडियो कॉलिंग करके हमारा सारा मशीन जो है वो सारा चीज़ देख के सारा डिटेल्स हम लोगों से ओवर द फ़ोन ले आप ऑनलाइन ऑनलाइन पर पैसा अगर भेजते हैं तो हम इधर से ट्रांसपोर्ट का आप मशीन डाल दें अभी एक बात ये भी आती है कि जैसे कोई अगर मान लीजिए बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो पैसा कोई भी लगाता है तो वो श्योर होना चाहता है कि हाँ भाई अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मशीन में कोई खराबी इतने दिनों तक नहीं आएगी कहने का मतलब गारंटी वारंटी क्या होगी देखिए हाँ हम लोगों के मशीन जो है हम लोग के मशीन के ऊपर एक साल का वारंटी मिलेगा आपका पूरा और जो है पाँच साल अगला पाँच साल जो है वो आपको फ्री सर्विस मिलेगी ये वीडियो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे भाई हमारे हैं जो अब्रॉड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहने का मतलब है कि ये मशीनें कहाँ कहाँ डिलीवर हो जाएंगी वो बताइए डिलीवर तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग डिलीवरी करते हैं जैसे कि बांग्लादेश में भी हम लोगों का मशीन बहुत सारा गया है डिलीवरी के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बहुत दूर से देख रहे हैं कैसे मशीन लेके ऐसे अगर सोच रहे तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग कॉल कीजिए कहाँ से बात करिए बोलिए मशीन पहुँचाने पौँच, का जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों का है मार्केटिंग वगैरह लोग कैसे करें वो बताइए देखिए जो ऑयल का बिजनेस में जो है कि मार्केटिंग बहुत सारा बहुत सारा जो है वेज है मार्केटिंग करने की जैसे कि अगर गांव से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो क्या है कि बहुत सारा सरसों का जो चार्ज होता है बहुत सारा लोग है कि उसको पिसाई करने के लिए आते हैं तो ऐटा इंस्टेंट आप उसको जो है एक्सटेंड करके अगर ऑयल दे देते हैं तो उसमें आपका पर के में आपका एक प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही आपके पास जो है रॉ मेटेरियल्स अवेलेबल है तो आप उसको पूरा मतलब कि ऑयल जो है एक्सटेंड करने के बाद आप आप पैकेजिंग करके ब्रांड वगैरह करके मार्केट पर छोड़ सकते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सही बात मैम ने बताई कि आज आज हर कोई ओरिजिनल चीज़ यूज करना चाहता है लेकिन मार्केट में इतनी सारी चीज़ें गलत तरीके से पेश की जाती है तो लोग आज हेल्थ कॉन्शियस हैं अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और प्योर मस्टर्ड ऑयल अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो रेट का आज कोई इशू नहीं है बस अगर चीज़ें प्योर हो तो पैसे देने के लिए भी लोग तैयार हैं तो आप इस तरह के जो है उद्योग भी आप गांव में लगा सकते हैं और खुद का पैकेजिंग करके आप मार्केट में उतार सकते हैं एक समय लगेगा चूँकि मार्केटिंग में थोड़ा सा मार्केट में जमने के लिए समय लगता है तो पाँच छः महीने का समय लगेगा लेकिन एक समय के बाद जो है आपका प्रोडक्ट जो है काफ़ी डिमांड में आ जाएगा और फिर उस चीज़ की भरपाई जो है आप नहीं कर सकते हैं तो ये सब एक छोटा बिजनेस भले ही है लेकिन अगर आप अपने स्किल का सही इस्तेमाल करते हैं तो कहीं भी रह कहीं भी इस तरह के बिज़नेस को आप अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी वीडियो इतना देर तक देखने के लिए तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और स्क्रीन शॉट लेके हमारे पास स्क्रीन में दिया गया नंबर पे कॉल कीजिए हम लोग जरूर आप लोगों को हेल्प करेंगे थैंक यू दोस्तों ये है इसका मैम और रॉयल मशीनरी जो कि बंगाल कोलकाता के अंदर कंपनी है कंपनी की हैं और काफ़ी अच्छे से ऑयल एक्सपेलर बिजनेस से संबंधित हर एक चीज़ को मैम ने बताया फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछना पूछने चलेगा आपके अंदर कोई डाउट है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दे दिया आप कॉल करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं हालांकि कॉल करने से बेहतर है दोस्तों कि आप कंपनी विजिट करें मैम से मिलकर चीज़ों को और अच्छे तरीके से इस तरह के बिजनेस के बारे में क्लियर जानकारी ले सकते हैं दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग